वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अगेन होने वाला है एक मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कुछ आउटफिट। इसमें आपको ड्रेस, सूट, साड़ी सभी कुछ मिक्स में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज का कलेक्शन पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड जिन्हें नहीं पता है मीशो क्या है या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, खुद के लिए तो शॉपिंग कर ही सकते हैं। मीशो पे लिंक्स नहीं होते हैं जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ, और अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो सबके कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पर फ्लैट 30% एंड 100 rupees का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और ऐसा तभी होगा तब आप मेरे लिंक से मीशो डाउनलोड करोगे। और आज का वीडियो भी होने वाला है रीसेलिंग वीडियो। तो जितनी भी प्राइस है मीशो प्राइस और रीसेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप देने का ट्राई करूंगी, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। लेकिन आप लेना चाहते तो प्लीज जल्दी करना, बिकॉज होता क्या है ना, इतने से ही प्रोडक्ट होते हैं और इन 5 मिनट वो सॉल्ड आउट हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करना, लेना चाहते हो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट रहिए। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करें। जो फर्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा सा सूट है, जब मैंने इसको मीशो पे देखा रियली इतना ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था एंड कुछ स्टाइलिश लगा, और पिक करने पे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिला है। तो देखते हैं कैसा निकलता है। मैंने भी यार अभी तक इसे खोल के नहीं देखा, और ये पूरा सूट है ना वेलवेट में था, तो मैं देखना चाहती थी क्वालिटी कैसी आती है। वैसे रिव्यूज तो काफ़ी अच्छे थे। इस तरीके का आपको ये वाला सूट देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, मुझे आपको एक चीज़ बतानी थी, अगर आपको कोई एको प्रॉब्लम हो रही है ना यहाँ पे, मे भी थोड़ी आवाज़ मेरी ऐसे गूंज रही होगी, बिकॉज क्या है मैंने नया स्टूडियो लिया है एंड वो वाला जो पहले वाला स्टूडियो था काफ़ी ज़्यादा छोटा था, उसमें स्पेस नहीं था, और ये वाला जो स्टूडियो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें आपको बहुत सारे जो डेकोरेशन आइटम्स है वो भी देखने को मिल जाएंगे, और मैंने सारे ऑर्डर किए हुए हैं। जैसे जैसे आएंगे वो रूम जब फिलअप होगा तो अपने आप एको जो है कम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका टॉप। तो इस तरीके का आपको ये वाला टॉप देखने को मिल जाएगा, एंड ये बहुत ही प्यारा सा वेलवेट का है ये, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फुल पार्टी वेयर है। आप इसे ऐसे कैरी नहीं कर सकते हैं कैजुअल में। एंड इसमें आपको राउंड नेक देखने को मिल जाएगी, 3-4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी। स्लीव्स पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी की गई है जरी के थ्रेड से, एंड ये पूरे जो है सिक्वेंस लगाए हुए हैं, राउंड नेक है। नेक पे भी आप देख सकते हो इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी। हाँ, और इसमें सारे साइज मीशो पे अवेलेबल है। आपको जिस टाइम मैंने ऑर्डर किया था वो मुझे स्मॉल और एम साइज नहीं मिला था, तो मैंने इसमें एल ऑर्डर किया है, और अभी शायद मीशो पे सारे साइज अवेलेबल है। तो जो कोड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एंड इस तरीके का फ्लेयर वाला फुल लेंथ कुर्ता है, तो आप साइड में देख लेना। ब्लैक कलर होता क्या है, लाइटिंग आती ये थोड़ा वाइट वाइट दिखता है कैमरे में थोड़ा शाइन की वजह से, पर ये बिल्कुल जो प्योर ब्लैक कलर आता है, प्योर वेलवेट का फैब्रिक है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नीचे की साइड आपको बॉटम इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, एंड बॉटम में आप देख सकते हो ये जो है पर्ल वाली लेस लगाई हुई है, और यहाँ पे जो है कैन कैन लगाई हुई है, जिससे क्या है जो फ्लेयर काफ़ी अच्छा आएगा। अंदर की साइड आपको प्योर जो है साटिन की लाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी, फिनिशिंग क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड बैक साइड में इन्होंने इस तरीके के दो टेसल्स भी दिए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सूट है, इस पर ब्लैक के ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा चमक दमक है, जिन्हें एलिगेंट सूट पहनना भी पसंद है ना डेफिनेटली ले सकते हो। तो इस तरीके का आपको इसमें जो है टॉप देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं दुपट्टे की। इसका जो दुपट्टा है वो सबसे प्यारा है, जो इस सूट को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रहा है, क्योंकि सूट इन्होंने ज़्यादा ऐसे ज़्यादा हैवी नहीं दिया है, बस नेकलाइन पे आपको और यहाँ पे स्लीव्स पे एम्ब्रॉयडरी देखने को मिलेगी, लेकिन फुल दुपट्टा इन्होंने पूरा हैवी दिया है। दुपट्टा जो है पूरा सिक्वेंस वाला और जरी के काम वाला देखने को मिलेगा। ये पूरा दुपट्टा 2.25 मीटर का है, काफ़ी हैवी है, और सेम ऐसी एम्ब्रॉयडरी आपको बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगी। रियली मुझे ये सूट बहुत प्यारा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट लगा, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, एलिगेंट है, किसी भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो ये है जो फर्स्ट आउटफिट मैंने पिक किया है मीशो से। अच्छा, नेक्स्ट आउटफिट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एक वेस्टर्न ड्रेस, एंड रियली इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है, और मुझे समर्स के अकॉर्डिंग कुछ व्हाइट कलर में चाहिए था, वैसे मुझे व्हाइट कलर बिल्कुल
मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे खुद पे व्हाइट कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो लाइट कलर है और लाइट कलर मुझे लगता है कि मुझ पे अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन समर्स के अकॉर्डिंग व्हाइट कलर बहुत अच्छा रहता है, और अभी तो समर्स चल रही है, तो मैंने जब मीशो पे ये वाली ड्रेस देखी मुझे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगी। इसमें वो कलर ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, मे बी नियॉन कलर भी है, रेड कलर भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर लेना। पर ये वाला जो व्हाइट कलर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। इसमें आपको इस तरीके की कुछ नेक देखने को मिलेगी, जो इसके पूरे ड्रेस को हाईलाइट कर रही है ना, वो है इसका ये अपर वाला पार्ट, जो कि आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा। आप एक डिजाइन देख रहे हो ना, एक क्रोशे से इन्होंने किया हुआ है, इस तरीके के फ्लावर बनाए हुए हैं लेस क्रोशे वाली, और फिर यहाँ पे ये अटैच की हुई है, और ये पूरी आपको नेट फैब्रिक में मिलेगी, ट्रांसपेरेंट है, ये आपकी एंकल लेंथ तक आएगी अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, और अगर आप शॉर्ट हाइट में हैं तो आपके ये फुल में भी आ जाएगी। तो आप देख लेना एक बार स्लीव साइड में, इसमें आपको फुल स्लीव्स मिल जाएगी, और यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है स्लीव्स में। क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है। मीशो प्राइस और रीसेलिंग प्राइस मैं साथ के साथ यहाँ मेंशन करती जाऊँगी, आप देख लेना एक बार। एंड इसमें जो, हाँ मैंने साइज तो आपको बताना भूल ही गई, इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल साइज है शायद, हाँ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी मैंने कौन सा साइज परचेज किया है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे मैंने कौन सा साइज परचेज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड इसमें आपको अंदर की साइड, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें आपको इस तरीके की ये स्लिप देखने को मिल जाएगी। ये आपको फुल लेंथ में नहीं मिलेगी, मतलब जितनी इस ड्रेस की लेंथ है उसमें फुल तक में नहीं मिलेगी, आप साइड में इमेज देखोगे तब आप देखोगे, या आपको नी लेंथ तक में ये वाली स्लिप देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एंड इसमें मे बी इसमें साइज दिया हुआ हो, नहीं इसमें भी साइज नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगी। तो ये वाली ड्रेस आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे भी पहनना है ना, कैजुअल से लेकर किसी भी पार्टी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, आप परचेज कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से आपकी बार पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है वो है एक कुर्ता सेट, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड यार इस तरीके के कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं समर्स में, स्पेशली जैसे जो कलरफुल कुर्ता सेट होता है ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें बड़े बड़े टैसल हो। जब मैंने इसको मीशो पे देखा यार, लगा प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्लस रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और लुक तो बहुत अच्छा आ रहा था। ये आपको मस्टर्ड कलर में देखने को मिल जाएगा कुर्ता। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कुर्ता बताती हूँ, जो कि बहुत ही प्यारा है। इस तरीके का आपको मस्टर्ड कलर में कुर्ती देखने को मिलेगी। साइज है इसमें मेरा मीडियम, स्मॉल साइज मुझे मिला नहीं था उसमें, इसमें भी आपको सारे साइज मीशो पे मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको इस तरीके की स्लीव्स देखने को मिलेगी, 3/4 स्लीव्स है, और आगे इस तरीके की बैल स्लीव्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, पूरा जो नेक पे काम किया हुआ है ना, एक गोटे का काम किया हुआ है, एंड यहाँ पे बहुत ही प्यारा से कलरफुल गोटे लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा लुक है। लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फैब्रिक है रेयॉन, जो कि समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। ये आपको काफ़ी लॉन्ग देखने को मिलेगा, लाइक एंकल लेंथ में देखने को मिल जाएगा ये वाला कुर्ता, एंड स्ट्रेट कुर्ती है बिल्कुल, इस तरीके की आपको स्ट्रेट कुर्ती देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको एक टैसल्स दिए गए हैं, जो कि इस कुर्ते को हाईलाइट कर रहे हैं, वो है इसके टैसल्स। आप देख सकते हो कितने प्यारे गोटे के टैसल्स हैं, और प्लस कलरफुल कितने ज़्यादा हैं, बड़े बड़े हैं। कुर्ता सेट का लुक बहुत प्यारा आएगा पहनने के बाद, रियली मतलब कोई कह नहीं सकता यार, इतनी कम प्राइस में जब मैंने मीशो पे देखा मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसकी भी जो रीसेलिंग प्राइस है, मीशो प्राइस है, आप साथ के साथ देखते जाना। इसमें आपको इस तरीके का एक कलरफुल शिफॉन का दुपट्टा देखने को मिल जाएगा। लुक एट दिस, कितना प्यारा दुपट्टा है, एंड ये पूरा आपको 1.5 या 2 मीटर में देखने को मिलेगा, और चारों तरफ इस पर भी वही गोटा, कलरफुल गोटे की डिटेलिंग की हुई है, लेस लगाई हुई है। तो ये वाला है जो इसका दुपट्टा है, और इसमें आपको नीचे की साइड जो बॉटम है उसमें आपको पैंट देखने को मिल जाएगी। इलास्टिक वाली पैंट है, समर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी, रेयॉन फैब्रिक है, स्ट्रेट पैंट है इस तरीके की, एंड सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, एंड नीचे की साइड आपको इसमें कट देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी ड्रेस है, किसी भी कैजुअल से लेकर किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंग भी काफ़ी बेस्ट रहेगी ये वाली ड्रेस, और प्लस कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा यूनिक है, ब्यूटीफुल है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है। ये इसको रीज़न ये था पिक करने का कि यार बहुत यूनिक सी ड्रेस लग रही थी, प्लस लग रहा था समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मे भी शायद ये आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि उस समय जब मेरी ना
तबीयत खराब थी उस समय, ये डिलीवर हुई थी उस टाइम, और फिर बाद में मैंने देखा नहीं अवेलेबल है या नहीं है। तो आप एक बार कोड चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये भी आपको बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का बहुत ही स्टाइलिश सा कुर्ता सेट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कुर्ती बताती हूँ। इसकी कुर्ती है ना कॉटन फैब्रिक में, जो खादी वाला जो फैब्रिक आता है वो वाला फैब्रिक इन्होंने इसमें यूज किया है, जो कि समर्स में काफी ज्यादा ठंडा लगता है पहनने के बाद, प्लस कंफर्टेबल रहता है। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है मीडियम, क्योंकि कॉटन फैब्रिक थोड़ा सा मे भी धोने के बाद या वॉश करने के बाद थोड़ा श्रिंक हो जाए, तो इसलिए मैंने मीडियम परचेज किया है। अगर होता भी है तो भी मेरे आराम से आ जाएगा। जो बटन है ना ये इन्होंने इसमें कपड़े के ही लगाए हुए हैं, ये ओनली शो के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं, फंक्शनेबल नहीं है। एंड बैक साइड भी आपको पूरा प्रिंटेड देखने को मिलेगा, एक पूरा फ्लोरल प्रिंट में है, लुक एट दिस। एंड यहाँ पे आपको इसमें फ्रंट कट देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड, 3/4 इसमें आपको स्लीव देखने को मिलेगी, पूरा लुक आपको साइड में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही प्यारा लुक है इस वाले कुर्ता सेट का। एंड रियली अगर आप इसे लेते हो, मीशो पे भी इसकी प्राइस इतनी कम लग रही है, अगर आप लेते हो तो कोई भी विश्वास नहीं करता कि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा कुर्ता सेट मिल सकता है। प्लस स्टाइलिश भी है, एलिगेंट भी है, तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ही, ग्रीन के साथ ही ऑरेंज येलो का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके का आपको कुर्ता देखने को मिल जाएगा। और बॉटम के लिए इन्होंने इस तरीके की इसमें पैंट दी हुई है। ये जो कुर्ता है ना बहुत ज्यादा डार्क कलर में है, जो डार्क ग्रीन कलर आता है उस कलर में मिलेगा, और ये जो पैंट इन्होंने बॉटम में दी है बिल्कुल लाइट कलर में देखने को मिल जाएगी, और इलास्टिक वाली है, स्ट्रेट पैंट है, रेयन फैब्रिक है, जो कि कंफर्टेबल रहेगी पहनने के बाद। एंड नीचे की साइड आप देख सकते हो ना, ये पैंट में एम्ब्रॉयडरी की गई है दोनों में, तो इस तरीके की आपको एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा नीटली है। एंड बहुत अच्छे लगेगा ये वाला कुर्ता सेट भी पहनने के बाद, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स है या फिर ऑफिस गोइंग लेडीज या फिर गर्ल्स है ना, तो उस अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा अच्छा है। हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप ले सकते हो ये वाला कुर्ता सेट, बिल्कुल भी मिस मत करना। इसकी भी जो मीशो प्राइस है, रीसेलिंग प्राइस है, यहाँ पे आप एक बार देख लेना। तो नेक्स्ट और लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है बहुत ही अफोर्डेबल सी स्टाइलिश साड़ी। स्टाइलिश साड़ी तो सिंपल है बिल्कुल, लेकिन अगर आप इसे स्टाइल कर सकते हो वैसे जैसे पिक में दिया हुआ है, एक बिल्कुल सिंपल साड़ी है, जॉर्जेट की आपको साड़ी देखने को मिल जाएगी पॉलका डॉट में। तो यार मुझे, मैंने आपके साथ हैवी साड़ी बहुत शेयर करती हूँ, घर में तो आप इसे पहन ही सकते हो, जैसे डेली उसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो उस अकॉर्डिंग में काफ़ी अच्छी है। लेकिन जैसे गर्ल्स हो गए या फिर कोई गर्ल्स हो गए तो वो उन्हें अलग अलग तरीके से स्टाइल कर लेती है। लाइक आप इसे किसी भी डिजाइनर ब्लाउज के साथ, किसी भी बेल्ट के साथ स्टाइल कर सकते हो, तो वो प्रॉपर है ना वो वाला लुक आपको देखने को मिल जाएगा जो इमेज में है, क्योंकि ये वाली साड़ी पॉलका डॉट प्रिंट में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है स्टाइल करने के बाद। एंड पूरी आपको ये जॉर्जेट में व्हाइट कलर की साड़ी देखने को मिल जाएगी, एंड पूरे पे आप देखो ये पॉलका डॉट प्रिंट बनाया हुआ है। एज इट इज आपको आंचल मिलेगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको ये वाली साड़ी ऐसी मिलेगी। और ये जो ब्लाउज के लिए इन्होंने 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस इसमें अटैच दिया हुआ है ब्लैक कलर का, तो आप इसे स्टिच मत करवाना। आपके पास बहुत सारे ब्लैक क्या है, कॉमन कलर है, तो सभी के पास बहुत सारे ब्लाउज होते हैं, आप इसे किसी भी वेलवेट ब्लाउज के साथ कैरी कर सकते हो, या फिर बहुत तरीके के आजकल मार्केट में ब्लाउज अवेलेबल है आपके पास होंगे, तो आप उस तरीके से स्टाइल करना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं भी इसे बैग के साथ स्टाइल करने वाली हूँ, जिससे कि काफ़ी अच्छा लुक आएगा। तो ये है जो लास्ट साड़ी मैंने पिक किया है, क्योंकि काफी अफोर्डेबल लग रही थी। इसमें भी आपको कलर ऑप्शन काफी सारे देखने को मिल जाएंगे मीशो पे, शायद ग्रीन कलर भी है, रेड भी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर लेना। तो ये है जो लास्ट पीस मैंने मीशो से पिक किया है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल पे नहीं हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। एंड और कुछ मीशो से देखना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा आज की वीडियो में तो कमेंट करके बताना, मुझे भी अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। अब तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ बैठ के, जो उस टाइम आए थे और जो इस टाइम आएंगे, बस मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।